गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं लेसन नंबर 15 की नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 89, सेकंड एक्सरसाइज है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द गो टू फॉर्म। हमें इसे भी गो टू में कन्वर्ट करना है। ही मिस हिज ट्रेन, ही इज गोइंग टू मिस हिज ट्रेन। देखिए यहाँ पे ही है, सिंगल पर्सन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, गोइंग टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। यू ईट ऑल दैट, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, आर यू गोइंग टू ईट ऑल दैट। द टाइगर अटैक अस, द टाइगर इज गोइंग टू अटैक अस। द टाइगर क्या है, सिंगल है, सामने यहाँ पे इज यूज किया है, गोइंग टू अटैक अस। दैट एलोप्लेन टेक ऑफ, That aeroplane is going to take off. हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरोप्लेन के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया है। When he pay the bill, when is he going to pay the bill? यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहाँ पे सिंगल पर्सन ही की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, When is he going to pay the bill? I ask him to help me. I am going to ask him to help me. यहाँ पर सिंगल पर्सन था, I दे रखा है, तो I के साथ हम am यूज करेंगे, going to ask. The dog bury the bone. The dog is going to bury the bone. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डॉग है उसने क्या किया है, सिंगल डॉग की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे is यूज किया है. That horse rider fall off. The horse rider is going to fall off. देखिए यहाँ पे दिखाया गया एक पर्टिकुलर हॉर्स राइडर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया है। द रेफरी ब्लो द विसल, द रेफरी इज गोइंग टू ब्लो द विसल। द प्रेशर कुकर एक्सप्लोड, द प्रेशर कुकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड। इसमें यही बताया जा रहा है कि सिंगल कोई प्रेशर कुकर है वो क्या हो रहा है, वो फटने वाला है, तो यहाँ पे हमने इसलिए इज यूज किया है। आई बाय सम बुक्स टुमारो, आई एम गोइंग टू बाय सम बुक्स टुमारो। अब सिंगल पर्सन की बात हो रही है, आई यूज किया, तो हमने क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। शी डाई द ओल्ड कर्टेन रेड, शी इज गोइंग टू डाई द ओल्ड कर्टेन रेड। शी है, सिंगल है, तो हमने यहाँ पे इसलिए उसके लिए इज यूज किया है। I am hungry. I eat this sandwich. I am hungry. I am going to eat this sandwich. I है तो यहाँ पे हम उसके लिए am यूज किया। My hands are dirty. I wash them. My hands are dirty. I am going to wash them. अब यहाँ पे सिंगल की बात हो रही है, I है तो हम am यूज करेंगे। It rain. Look at those dark clouds. It is raining. It is going to rain. Look at those clouds. We make this bottle into a lamp. We are going to make this bottle into a lamp. तो we है, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने आर यूज किया है। She wear a lovely dress at her wedding. She is going to wear a lovely dress at her wedding. तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है सिंगल है, तो इस हमने इज यूज किया है। These two boys cycle across the country. These two boys are going to cycle across the country. तो बताया दो लोगों की बात हो रही, दो लड़कों की, ये लोग साइकिल से कंट्री के क्रॉस गए थे, इस हमने यहाँ पे आर यूज किया। He not stay in this cottage. It is dirty. He is not going to stay in this cottage. It is dirty. अब सिंगल की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे he is यूज किया। He has broken the rules. They punish him. He has broken the rules. They are going to punish him. अब दे हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमने इनके लिए आर यूज किया है। मनु ग्रो अ बियर्ड व्हेन ही लीव्स स्कूल। मनु इज गोइंग टू ग्रो अ बियर्ड व्हेन ही लीव्स स्कूल। मनु सिंगल है, इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया। आई हैव सीन द प्ले, नाउ आई रीड द नोवेल। I have seen the play. Now I am going to read the novel. I है, सामने am use किया है। I lend you my bike. I am going to lend you my bike.
Ram stopped here for a moment to take some rest. Ram is going to stop here for a moment to take some rest. Ram है, single person है, सबने यहाँ पे is use किया. The man with an egg in his hand make an omelette. The man with an egg in his hand is going to make an omelette. अब हम इशारा करके तब बोले, indicate करके बोल रहे हैं कि वो जो इंसान है, जो आदमी है, उसके हाथ में एग है, वो ऑमलेट बनाने वाला है. तो हमें यहाँ पे इसलिए सिंगल पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमने इज यूज़ किया है. यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है. थैंक यू.